अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, सुगमई वर्जन से तैयार रहमान बात कर रहा हूँ। आज हमारे पास एक सीट आया है जिसका मसला ये है कि ये ऑन हो रहा है लेकिन डिस्प्ले पे कोई ग्राफिक्स शो नहीं कर रहा। ये आपका इसका मॉडल है डोकोमो। इसका ना डिस्प्ले मिल रहा है मार्केट में और ना टच, ना LCD, ना यूनिट, कुछ भी नहीं मिल रहा। कस्टमर का कहना है कि मैंने खुद इसका बैक ढक्कन खोला तो ये बंद हो गया, ये बिल्कुल ऑन सीट था। तो इन चूँकि पैक्स आता है इसलिए जब मैंने इसको देखा खोला तो इसका डिस्प्ले जो है ना वो रिबन कट गया। देखो ये सीट ऑन है लेकिन ये डिस्प्ले पे कोई ग्राफिक्स वगैरह शो नहीं हो रहा है। जब मैंने इसको खोला और इसको देखा तो ज़ोर की वजह से जो है ना इसका LCD का जो LCD है ये ब्रेक हो गया। यहाँ से देखो जो LCD का स्ट्रिप है यहाँ से ब्रेक हो गया है। देखो आपको सही तरीके से दिखाने की कोशिश करते हैं। देखो ये बिल्कुल ब्रेक हो गया है। और एक बात आपको फिर से बताते हैं कि इसका ना डिस्प्ले मिलता है, ना LCD मिलते हैं, ना टच यूनिट, कुछ भी नहीं मिलता इस डोकोमो का मॉडल का। यहाँ पाकिस्तान में कुछ नहीं मिलता, ख़ासकर हमारे सौर में कुछ नहीं मिलता। तो हम इसको जो है ना वो रिपेयर करेंगे। तो इसके लिए हमें ज़रूरत है एक प्लेट के जो कि हमने ले लिया, और एक बारीक वायर के जो हम इस एंड फ्री से निकालेंगे, बारीक सा वायर जो हम इस एंड फ्री से निकालेंगे। दूसरा कोई भी वेयर आप यूज़ करोगे तो वो काम नहीं करेगा। तो दोस्तों ये जंपर मैंने लगा दी क्योंकि मैं अकेला था, इसलिए जंपर लगाना जो है ना वो आपको दिखा नहीं सके। तो ये जंपर हमने तो जंपर मैंने लगा लिया। अभी जो है ना इसके ऊपर थोड़ा पट्टी लगाते हैं। ये देखो आप देख सकते हो ये यहाँ पर 3 लेन बिल्कुल ब्रेक थे जो कि ब्लेड से मैंने जो है ना उसको स्क्रैच किया, फिर इस जंपर के मदद से हैंड फ्री से जो जंपर मैंने निकाली है वो मैंने इसमें लगा ली है। बहुत आसानी से लगे, इस तरह आप रिपेयर कर सकते हो हैंड फ्री से। इस हैंड फ्री के अंदर जो जंपर वायर होता है, जो वायर लगा होता है, बहुत बारीक भी होता है और बहुत जो है ना वो नरम भी होता है, नुकसान भी नहीं करता। और पट्टी भी आप जो है ना यही यूज़ करो, जो स्टिकन पट्टी जो क्लिनिक वगैरह पर मिलती है, ये बहुत अच्छी जो है ना इसके रिज़ल्ट होती है। तो ये मैंने इसके ऊपर पट्टी लगाई जंपर के ऊपर। अब इसको जो है ना वो LCD कनेक्टर में पर कनेक्ट किया। अभी इसके साथ बैटरी को कनेक्ट करके देखते हैं कि ये सीट का जो हमारा मसला था वो हल हुआ कि नहीं। तो देखो दोस्तों यहाँ पे बराबर अभी लाइट आ रहा है, ग्राफिक्स भी आ रहे हैं और इस सीट का जो है ना वो मसला वो हल हो गया, जो कि LCD का स्ट्रिप जो है ना वो ब्रेक हो गया था जो ज़ोर की वजह से। इसके साथ चार्जर कनेक्ट करते हैं कि बंद ना हो जाए और इसको ऑन करके आपको दिखाते हैं। तो दोस्तों इस तरह जो है ना आप आसानी से इस वायर के ज़रिए आप किसी भी LCD को रिपेयर कर सकते हो। देखो इसका टच भी बराबर वर्क कर रहा है।